So today is a practical session. So we will do the practicals. Okay, queries we have started. Yes, who are there in the lectures? 20. Yes, Pooja. If I want to show databases, okay, Pooja, if I want to show the databases in my existing system, then how to show, which command is used? Pooja. Pooja, fast. Please, student, give the reply fast. Pooja. Yes, Pooja is there na. If you are not going to give answer na, then I will mark absent. Yes, this is a practical session, so it should be interactive. Okay. If you don't know the answer, then just tell ki ma'am, don't know, nahi pata hai, but please silence nahi rehna. Yes, Pooja. Okay, Pooja is not there, and I will absent her. Okay, yes, next, Ajay. If I want to show the databases, अगर मुझे databases देखना है, तो which command I will write? Ajay. मैं audible ना? Yes, Kohinoor, मैं audible? यस मैम। Okay, okay, okay. यस अजय, चलो जल्दी से बताओ मुझे क्या क्वेरी लिखूंगी। प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम, आज थोड़ा न्यू क्वेरीज हम लोग देखेंगे। ओके यस अजय, मुझे डेटाबेसेस देखना है कि कौन सा डेटाबेस है। ओके ओके, कोई बात नहीं अजय। चलो अजय ने रिप्लाई किया है, ही कैन नॉट गिव द आंसर। ओके पूजा, पूजा इज आंसर नहीं देना है पूजा। ओके पूजा को एब्सेंट करेंगे हम लोग आज। यस नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट? गौतम कांचन। यस, इफ आई वांट टू शो दी डेटाबेसेस, ओके ऑलरेडी कौन से डेटाबेस बने हुए हैं, तो कौन सा कमांड मैं लिखूंगी? गौतम कांचन, रोल नंबर 8। जल्दी से, यस आई एम वेटिंग स्टूडेंट्स। गौतम कांचन, give the reply fast. You can type in chat box also, but I want the answer from your side. Yes, Pooja, Kanchan. लेक्चर में हो आप लोग, ठीक है? योर नेम आर विजिबल, रोल नंबर 7 एंड रोल नंबर 8, बट यू आर नॉट गिविंग दी आंसर। यस ईशा, बट आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम पूजा एंड कांचन। यस, नितिन करेक्ट है, ईशा करेक्ट आंसर है, बट आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम पूजा एंड कांचन। यस, सरफराज कोहिनूर करेक्ट आंसर। पूजा एंड कांचन, गिव द आंसर फास्ट। यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स ऑल्सो। सिद्धि की तारीख, यस शो, आई वॉन्ट टू शो डेटा बेसिस, देखना है मुझे सिद्धि की तारीख। सो पूजा एंड कांचन इज नॉट आर नॉट रेडी टू गिव द आंसर। ओके, मतलब वो दोनों एब्सेंट है, अटेंड किया है, मतलब ज्वाइन किया है मोबाइल से, बट प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वही हुआ। ठीक है, तो दोनों जो है दैट बोथ आर मार्क इज एब्सेंट। ओके यस, नितिन गिव्स द आंसर। ओके, तो नितिन ने आंसर दिया है। शो, यस शो डेटाबेसिस। यस अजय, शो डेटाबेसिस। ओके, these are the databases. Now I want to use databases, I have to write use. Okay, first of all, before using the database, okay, before making any queries or writing any queries, we have to use the database. So we are using the SMTC database. Okay, now tariki, Siddhi ki tarik. Now we will write the Yes, name. ma'am. Okay, show students. Okay, या तो कोई भी table name. Okay, डेटाबेस शो करने के लिए वी राइट दी शो डेटाबेसिस। ओके, देन इफ यू वांट टू शो एनी टेबल्स, ओके, तो यू हैव टू राइट शो टेबल्स।
So you will get the table name. So now in SNGC database, there are three tables. We have already created bonus, title, and worker. Okay, आपने जो आंसर दिया था शो करके, ठीक है? So शो टेबल से यू विल गेट दी टेबल्स जो ऑलरेडी अवेलेबल है डेटाबेसिस में. शो डेटाबेसिस से यू विल गेट दी डेटाबेसिस. ओके, जो ऑलरेडी बना हुआ है. ओके, नाउ वी विल मूव टू विद दी क्वेरीज. जो लास्ट लेक्चर में हमने लेफ्ट किया था. ओके, यस, द नेक्स्ट क्वेरी इज, यस, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू शो ओनली odd rows from a table. Okay, so ye humne nahi, we don't learn the odd rows. Okay, so yahan pe diya hai, write an SQL query to show only odd rows from a table. Okay, odd rows from a table. So uske liye the query is given to you, the select star from worker, where mode operation unhone likha hai worker id, okay, comma 2. Okay, mode kaise, if आपको odd and even का program, you are done 9 programming, तो कैसे find करते हो odd and even number है तो आप modulus निकालते हो, ठीक है, कोई numbers का, उसको 2 से divide करते हो, उसका modulus अगर 0 है तो वो क्या हो जाएगा, even, अगर नहीं है, 0 नहीं आ रहा है उसका reminder, उसका mode answer जो है वो 0 नहीं आ रहा है तो वो even हो जाएगा, ठीक है, सॉरी odd हो जाएगा, अगर 0 है तो even हो जाएगा, ठीक है. तो thing हम लोग करेंगे इन database में. So we will try this query. Okay, we will write this query. Mode operation हमने नहीं पढ़ा था. Now अभी है इसमें, तो we are writing this query. Okay, so select star from worker, कोई भी table का name, where mode operator लिखना है आपको. Okay, where mode open the bracket, write the column name. Okay, and comma 2 आपको लिखना है, क्योंकि मोड किसका फाइंड करना है, जो वर्कर आईडी जो है. ओके, यस, मोड. ओके, तो वर्कर आईडी क्या बोला है, ओनली इवन रोज दिखाना है, ठीक है, इवन रोज वी वांट टू डिस्प्ले, इवन या तो ऑड जो भी हमको दिखाना है. बट तो वो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नंबर्स से, आईडी से. ओके, क्योंकि आईडी हमारा इंटीजर होता है, न्यूमेरिक हम लोगों ने लिया है, तो वी विल राइट दी वर्कर आईडी या तो आईडी कॉलम जो भी हमने नेम दिया है, कॉमा करके 2 इक्वल्स टू 0. इक्वल्स टू 0 है तो इवन प्रिंट होगा, इज नॉट इक्वल्स टू 0, दिस इज द सिंबल ऑफ इज नॉट इक्वल्स टू. ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ इज नॉट इक्वल्स टू. ओके, तो ये इज नॉट इक्वल टू का सिंबल है, ये इक्वल्स टू का सिंबल है. तो नाउ वी विल राइट दिस क्वेरी, सिलेक्ट फ्रॉम वर्कर टेबल. यस, स्टूडेंट्स लेट लेट ज्वाइन क्यों करते हो, वर्क करते बनो. ओके, ओके, तो ऑड इवेंट हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, तो सिलेक्ट, ओके, सॉरी, सिलेक्ट फ्रॉम वर्कर. प्लीज स्टूडेंट राइट डाउन द क्वेरी. ओके, हबीबा ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, वो हम लोग ट्राई करते हैं, पहले ये वाला ट्राई करते हैं, देन वी विल राइट दिस पेयर. ओके, आपने जो आंसर दिया दैट आल्सो वी विल ट्राई हबीबा. ओके, डोंट वरी, ये भी हम लोग ट्राई करते हैं. ओके, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम वर्कर. ओके, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम वर्कर वेयर, ओके, कंडीशन ही लिखना है, बट क्या लिखोगे कंडीशन में, मोड यू विल राइट, ठीक है, मोड यू विल राइट. मोड, ओके, तो हमारा कॉलम नेम क्या है, डब्ल्यू आई डी. ओके, डब्ल्यू आई डी कॉमा 2, किसका मोड फाइंड करना है, डब्ल्यू आई डी वर्कर आई डी. ओके, 2 मोड फाइंड करना है इक्वल्स टू 0. ओके, तो 2 एंड 4 जो, ओके, जो इवन हमने फाइंड किया, तो 2 एंड 4 आर द इवंस, ऑड करना है तो उसको हम लोग इज नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है. ओके, इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो 1 एंड 3 कोहिनूर एंड एशा, 1 एंड 3, 2 एंड 4 इवन एंड ऑड. ओके, नाउ वी विल ट्राई द ये वाला जो कोहिनूर ने बोला है, दैट वी आर ट्राई. ओके,
तो इन्होंने बोला है सिलेक्ट फ्रॉम डेटाबेस। ओके, हम लोग एवरी पॉसिबिलिटी हम लोग ट्राई करते हैं। कोई नू नहीं, हबीबा, सॉरी हबीबा ने दिया है ना, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम वर्कर बैच आईडी जो है हमारा दैट इज डब्ल्यू आईडी दिया हमने इन द टेबल में, सो वी हैव टू राइट डब्ल्यू आईडी। ओके, मॉड्यूलस ओके टू इक्वल्स टू जीरो। ओके यस, तो भी आंसर प्रिंट हो रहा है अभी, बट इट इज करेक्ट, वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम वर्कर वेयर डब्ल्यू आईडी मोर टू इक्वल्स टू जीरो, इज नॉट इक्वल्स टू जीरो लिखते तो क्या, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, इज नॉट इक्वल्स टू जीरो 193। ओके, सो यू कैन राइट इन बोथ दी वेज। ओके, क्लियर, यस और नो, तो यू हैव टू नोट डाउन दिस क्वेरी इन योर नोटबुक। ओके, नोटबुक में उसको नोट डाउन करो। यस स्टूडेंट्स, ऑल दिस क्वेरीज वी हैव टू यूज इन दी डेटाबेस कनेक्टिविटी में हम लोग यूज करना है, ठीक है, इन द नेक्स्ट ईयर जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे। ओके, तो एक्चुअल हमको जरूरत पड़ेगा, तो ये जो क्वेरीज है प्लीज नोट डाउन करके रखो। ओके, प्लीज नोट डाउन ऑल दिस क्वेरी एंड उसको संभाल के रखो, वी विल रिक्वायर ऑल दिस क्वेरी इन द नेक्स्ट ईयर। ओके, फिफ्थ सेमेस्टर में जो प्रोजेक्ट करोगे डेटाबेस कनेक्टिविटी हम लोग करेंगे, तो ये क्वेरीज हमको लगेगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज सेम डेटाबेस, हम लोग एक्चुअल ही यूज करने वाले कनेक्टिविटी, जब हम लोग हमारे प्रोजेक्ट को फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ वी विल कनेक्ट ना, तो वी विल रिक्वायर दिस क्वेरीज। व्हाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज द एसक्यूएल सॉफ्टवेयर, हम लोग एसक्यूएल का ही कनेक्टिविटी करके दिखाऊंगी मैं आपको, तो प्लीज उसको याद रखना। ओके, यस, तो ऑडी वन वाला दिस इज अ न्यू फॉर यू टूडे। ओके, तो प्लीज नोट डाउन करके रखो। ओके, आई कैन आस्क दिस क्वेरीज इन टू एमसीक्यू एग्जाम में भी मैं आपको पूछूंगी, तो यू हैव टू रिमेंबर। ओके, यस, ओके, नाउ राइट एसक्यूएल क्वेरी टू क्लोन ए न्यू टेबल फ्रॉम अनदर टेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोन? Yes, student, what is the meaning of clone? क्या मीनिंग है क्लोन का? Write a SQL query to clone a new table from another table. What is the meaning of clone? Clone का मीनिंग क्या है? Copy. Yes, very good. Yes, Siddhi ki Tariq, very good. Okay, so clone मतलब copy create करना है. Okay, so if you want to create a copy, ओके, इफ यू वांट टू मेक द कॉपी ऑफ द टेबल, ओके, तो उसके लिए क्या करना है? यस सरफराज, तो फॉर दैट दिस इज अ क्वेरी, सिलेक्ट स्टार इनटू, ओके, सिलेक्ट स्टार इनटू, किसमें कॉपी करना है? जो आपको न्यू टेबल का जो नेम देना है उसका नेम, फ्रॉम कौन से टेबल को कॉपी करना है, कौन से टेबल का कॉपी आपको बनाना है, तो वो आप लोग लिखोगे, तो वी विल ट्राई। ओके, दिस इज ऑल्सो न्यू फॉर यू। ओके, सिलेक्ट into, okay, select star into, okay, आपको अगर पर्टिकुलर कॉलम चाहिए तो पर्टिकुलर कॉलम का नेम लिखोगे, एज स्टार टू स्टार, सिलेक्ट स्टार इनटू, फॉर एग्जांपल हमको वर्कर टेबल का कॉपी टेबल बनाना है, तो उसको हम लोग न्यू टेबल का नया नाम दे रहे हैं, वर्कर न्यू। ओके, सिलेक्ट स्टार इनटू वर्कर न्यू। ओके, इसमें हमने कॉपी किया वर्कर न्यू में, इसको कॉपी किया फ्रॉम कौन सा टेबल को? वर्कर टेबल को। Select star into worker new. Okay, so worker new is the new copy table. Copy जिसमें करना है हमको वो table, ठीक है, and from worker जिसमें से copy करना है. एक मिनट, select star into worker new from a worker. तो undeclared variable worker new. Yes. ओके, तो फॉर माय एसक्यूएल के लिए उन्होंने क्वेरी दिया है क्रिएट टेबल वर्क क्लोन लाइक वर्कर। ओके, तो ये आई थिंक दैट इज, दिस इज अ जनरल क्वेरी उन्होंने बोला था। एक मिनट हाँ, वेट 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 वेट। ओके, तो वो जो ये वर्जन है जब वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, सो अनदर क्वेरी उन्होंने दिया है जिन्हें
अल्टरनेट वे टू क्लोन अ टेबल फॉर माई स्कूल के लिए, ठीक है, माई स्कूल के लिए क्रिएट टेबल, टेबल का नेम लाइक वर्कर टेबल, वेट. Yes. So, for MySQL के लिए you have to write the query like this. Create table worker new like worker. Okay. Create table worker new, मतलब जो भी new name देना है table का वो लिखना है. And then you have to use like word keyword. क्या use करना है? Like keyword use करना है. And worker जो table के जैसे बनाना है वो table का name and new table का name. So create table worker new like worker. Okay. हम लोग देखते हैं descending करके, descending of worker new, okay, descending DESC, sorry, DESC is used for describe table, not describe, okay, describe the table के लिए. So DESC worker new हमने बनाया था अभी उसका, okay, yes. तो ये जो पूरा copy table create हो गया, see. जो हमने वर्कर का भी दिखाती हूँ, वर्कर टेबल, दिस इज वर्कर टेबल, ओके. तो बोथ सेम टेबल क्रिएट हो गया, ओके, कॉपी बन गया. ऑलरेडी वर्कर टेबल हमने बनाया हुआ था, उसका कॉपी हमने बनाया वर्कर न्यू, ओके, सेम. देखो डब्ल्यू आई डी जो कॉलम नेम्स है, टाइप्स है, नल्स, जो भी हमने कीज असाइन किया था, पूरा का पूरा कॉपी बन गया, ओके. तो बट नेम उसको क्या मिल गया, कॉपी वाले टेबल को वर्कर न्यू, और इसमें क्या बन, ऑलरेडी जो था वो वर्कर था. तो दिस इज अ क्लोन टेबल क्रिएट करने के लिए, कॉपी बनाने के लिए, ओके. तो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स, माय एसक्यूएल में हमको ये वाला है क्वेरी, ओके. प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स, नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स, ओके. नोट डाउन करके रखो ये सारी चीजें. अभी लगेगा याद हो गया, बट आफ्टर सम टाइम्स यू विल फॉरगेट. सो प्लीज नोट डाउन ऑल द क्वेरीज. सो विच क्वेरी यू विल राइट इन योर नोटबुक, दिस वन. क्रिएट टेबल, जो भी आपको टेबल का नेम देना है वो, ओके, कॉपी जो आप बनाने वाले हो, दो टेबल को जो भी नेम देना है वो न्यू टेबल का नेम, लाइक जिसका आप कॉपी बना रहे हो, जो टेबल का यू आर गोइंग टू मेक कॉपी, वो टेबल का नेम, ओके, ठीक है. चलो नाउ, यस, क्या बोला यहाँ पे, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फेच इंटरसेक्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ टू टेबल्स, ओके. दो जो टेबल का है उसका इंटरसेक्ट करके हमको चाहिए, ओके. तो इंटरसेक्ट के लिए क्या था हमारे पास, इंटरसेक्ट, ओके, INTERSECT, इंटरसेक्ट, ओके, सेट ऑपरेशन, व्हिच आर द सेट ऑपरेशंस, कौन से सेट ऑपरेशंस है, व्हिच आर द सेट ऑपरेशन वी हैव लर्न इन द आवर सिलेबस, माय सॉरी डीबीएमएस में, कौन सा हमने देखा माय स्कूल में ऑपरेशंस, सेट ऑपरेशंस कौन से पढ़े, यस, यूनियन, intersection and one more is there, yes, Arun, very good, union, intersections and one more is there, yes, Kohinoor, other students please give the answer. Set operations. Which are the set operations? Set operations. कौन से set operations हम लोगों ने पढ़ा? Cartesian is not set operations. I am asking for set operations. This is a join, ना? ये तो join हो गया अरुण. Set operations. Set operation. याद है किसी को? Set operations. Yes, ma'am. Union, intersection. Yes, very good. Or yes, Irshad. हाँ, Sarfraz. Union, union all intersect and minus. Very good, Sarfraz. Okay. So union, union all intersect and minus. That we have learned. Okay. Set operations. So यहाँ पे क्या बोला है? Write an SQL query to fetch intersecting records of two tables. So select star from table name intersect keyword you have to use and write the second query. Select star from worker clone. बट इंटरसेक्ट जो है, दैट ई जो आई थिंक ये वर्जन हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, हमने लास्ट टाइम ट्राई किया था, ओके.
अभी जो सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम वर्कर टेबल, हमने टेबल क्रिएट किया उसमें टेबल तो सेम कॉपी हो गया ठीक है, बट उसमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट नहीं हुआ, तो वी हैव टू इंसर्ट द रिकॉर्ड्स इन वर्कर न्यू टेबल ठीक है. वर्कर न्यू टेबल में हमको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना पड़ेगा. ओके व्हाई, बिकॉज हमने टेबल कॉपी किया बट रिकॉर्ड्स कॉपी नहीं हुआ है ठीक है. तो एक चीज आपको याद रखना है, व्हेन वी आर डूइंग क्लोन ना, जब हम लोग क्लोन बना रहे हैं टेबल का ठीक है, तो जो कमांड हम लोग लिख रहे हैं सिलेक्ट क्रिएट टेबल वर्कर न्यू लाइक वर्कर, क्रिएट टेबल वर्कर न्यू लाइक वर्कर, तो टेबल तो कॉपी क्रिएट हो जाएगा बट उसमें रिकॉर्ड्स नहीं होगा ठीक है. व्हाई, देखो यहाँ पे हमने देखा ना सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम वर्कर न्यू, एम्प्टी सेट आ रहा है, यू हैव टू एंटर द रिकॉर्ड्स. टेबल क्रिएट हो रहा है, सेम टेबल क्रिएट हो रहा है बट रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो रहा है ठीक है. वो रिकॉर्ड्स हमको इंसर्ट करना पड़ेगा ठीक है. सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम बोनस टेबल में ये है, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम वर्कर, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा था ठीक है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा था आई थिंक ना. सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम वर्कर इंटरसेक्ट, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम. ओके, तो ये वर्जन जो है राइट सिंटेक्स नहीं है, हमने देखा था इसको ठीक है. इंटरसेक्ट के लिए, इंटरसेक्ट मतलब क्या, कॉमन, दोनों में कॉमन ऑपरेशन जो है, सॉरी रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए ठीक है. यूनियन वो सपोर्ट कर रहा है ठीक है, यूनियन हमने देखा था, यूनियन इट विल सपोर्ट. सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम वर्कर यूनियन, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम बोनस. अरे क्या हो गया, ओके सिलेक्ट व्हेन डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स भी सेम होना चाहिए ओके. दैट इज वन कंडीशन के यूनियन में ऑपरेशंस में दोनों टेबल के कॉलम सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे हमारा कॉलम्स अलग अलग है बिकॉज इन द वर्कर में हमने क्या डाला था, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स ओके, बोनस में ओनली 3 कॉलम्स है तो सो नहीं ले रहा है. एक मिनट, सिलेक्ट फ्रॉम, और एक कौन सा टेबल हमने बनाया था, टाइटल करके था ना, वन मोर इज टेबल इज देयर ना, टाइटल ओके. टाइटल में कितना है चेक कर लेते, ओके 3 है, तो वी कैन नाउ यूनियन दिस टू टेबल, बोनस एंड टाइटल वी कैन यूनियन ओके. सिलेक्ट ये स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, सेट ऑपरेशंस ओके, यूनियन एंड इंटरसेक्ट वाला. तो यूनियन एंड इंटरसेक्ट जो है वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बट इंटरसेक्ट जो है वो सपोर्ट नहीं करता इन दिस वर्जन ओके. ये जो माया स्कूल मैंने इंस्टॉल किया है 5.5, उसमें वो सपोर्ट नहीं करा है ठीक है. तो यूनियन सपोर्ट करा है तो मैं आपको यूनियन करके दिखाती हूँ, तो यू विल गेट आइडिया कि इंटरसेक्ट भी ऐसे ही होगा ओके. सो दैट आई एम राइटिंग द यूनियन क्वेरी, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम बोनस एंड सिलेक्ट ओके ओके. यूनियन मतलब क्या, दोनों टेबल्स का पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा ओके. तो हो रहा है ओके, तो दिस इज अ यूनियन क्वेरी ओके. इंटरसेक्ट नहीं हमारे उसमें सपोर्ट कर रहा है ये वर्जन में ओके. चलो माइनस भी नहीं कर रहा था ओके. नाउ राइट एसक्यूएल क्वेरी टू शो द करंट, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू शो द करंट डेट एंड टाइम, करंट डेट एंड टाइम ओके. तो करंट डेट के लिए सिलेक्ट करंट CURDATE, सिलेक्ट का स्पेलिंग सिलेक्ट ओके. सो दिस इज करंट डेट, अभी का आज का जो डेट है दैट विल बी डिस्प्ले ओके. हमारे सिस्टम में जो डेट सेट किया होगा दैट विल बी डिस्प्ले ओके. तो अभी मेरे सिस्टम में 1/9/2021 दिखा रहा है, तो वो दिखा रहा है ओके. तो टाइम के लिए सिलेक्ट नाउ ओके, टाइम आपको चाहिए डेट एंड टाइम, तो सिलेक्ट नाउ. Please note down, please student note down all these queries, okay? ठीक है, तो date and time display हो गया. Yes, time के लिए time, okay? सरप्राइज, select now, time के लिए you will write the now, N-O-W. तो now function से क्या होगा, date and time दोनों display होगा. Date says CURDATE, current dates only date is displayed, okay?
एंड नाउ करोगे तो डेट एंड टाइम दोनों डिस्प्ले हो जाएगा. क्लियर क्लियर. प्लीज नोट डाउन. यस एवरीवन इज नोट डाउन ना, सब लोग लिख रहे हो ना नोटबुक में इसको. यस और नो, यस और नो. आई विल आस्क द स्टूडेंट ऑल दिस क्वेश्चंस इन एमसीक्यू में भी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम वाइवा में भी मैं पूछूंगी आपको ये सब. ओके तो प्लीज. यस वेरी गुड 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 नितिन की तारीख. वेरी गुड गुड. ओके चलो. यस यस वेरी गुड सर प्रास. चलो. यस नाउ राइट एन एसक्यूएल क्वेरी. राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू शो द टॉप एन, मतलब टॉप 10 या तो जो भी आपको रिकॉर्ड चाहिए, रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल. ठीक है, आपको पर्टिकुलर 10 रिकॉर्ड्स, 5 रिकॉर्ड्स, 2 रिकॉर्ड्स, 1 रिकॉर्ड, जितने भी आपको टॉप एन, मतलब एन मतलब नंबर ऑफ, जो भी आपको नंबर स्पेसिफाई करोगे वो रिकॉर्ड्स आपको रिटर्न करवाना है. ओके तो उसके लिए व्हाट इज अ क्वेरी, माय एसक्यूएल क्वेरी क्या है, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम वर्कर. ओके सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम वर्कर ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, मतलब उसको डिसेंडिंग में कन्वर्ट करके दे लिमिट 10. क्या दिया है, लिमिट 10. ओके तो मतलब 10 तक आपको, सपोज आपके टेबल में योर टेबल देयर आर 50 रिकॉर्ड्स, आपको 50 डिस्प्ले नहीं करवाना है, ओनली 10, ओनली 5, ओनली 2 करवाना है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स आपको रिटर्न करवाना है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. ओके तो उसके लिए यू कैन राइट दिस क्वेरी. कौन सा वाला क्वेरी, ये क्वेरी आप लोग लिख सकते हो. ओके ओके तो वी कैन ट्राई दिस, हम लोग भी ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, बस वर्कर टेबल में कितना रिकॉर्ड्स हैं, वर्कर टेबल्स, ठीक है देख लेते पहले वर्कर टेबल्स में कितना है, ना कि नंबर ऑफ हम लोग स्पेसिफाई करेंगे. ओके सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम वर्कर. यस स्टूडेंट्स प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क, मेरा क्वेरी नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क. ओके ऐसे नहीं है कि जो मैम करा रही है वही करना है. इफ यू हैव एनी न्यू क्वेरीज, इफ यू वांट टू ट्राई एनी न्यू क्वेरीज, अगर कुछ न्यू आपको करना है तो आप बता सकते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव दिस सिस्टम्स एट योर होम. ठीक है तो अगर आपको कुछ न्यू ट्राई करना है तो यू कैन टेल मी कि मैम ये कमांड करो ये करो. ठीक है तो आपको भी समझ में आएगा, सिस्टम नहीं आपके पास किसी के पास. ओके तो प्लीज यू कैन टेल मी कि मैम ऐसे करो, ये क्वेरीज करो, रन करके दिखाओ. ओके प्लीज आपको इनिशिएटिव लेना है स्टूडेंट्स. यस एक मिनट इरशाद. यस एरर आ रहा है, व्हाई, बिकॉज वो जो कमांड जो है ना गेट डेट, वो ये वाले वर्जन में सपोर्ट नहीं करेगा. ठीक है माय एसक्यूएल के लिए हमारे पास सी फंक्शन जो गेट डेट है ना वो फंक्शन ये वर्जन में सपोर्ट नहीं करेगा, इसीलिए एरर आ रहा है. तो गेट डेट भी क्या करेगा, आपको करंट डेट जो है वही डिस्प्ले करेगा, बट इन माय एसक्यूएल में आपको, हमको करंट डेट के लिए क्या लिखना है, ये वाला सी यू आर डी ए टी करंट डेट. ओके तो ये वर्जन पे डिपेंड है, कोई वर्जन कोई सिंटैक्स सपोर्ट नहीं करता, कोई करता है. तो माय एसक्यूएल में वी हैव टू राइट सी यू आर डी ए टी ई. ओके माय एसक्यूएल में हमको क्या लिखना है, इरशाद करंट डेट के लिए सी यू आर डी ए टी ई. ये जो गेट डेट है, गेट डेट भी वही, गेट डेट भी क्या वर्क करेगा, हमको करंट डेट ही डिस्प्ले करेगा. ओके अभी का जो डेट है दैट विल बी डिस्प्ले यूजिंग दिस फंक्शन गेट डेट, बट ये माय एसक्यूएल में सपोर्ट नहीं करेगा, वो एसक्यूएल में का या तो ओरेकल का फंक्शन होगा. क्लियर ओके चलो. यस क्या लिखना था हमको, टॉप एन रिकॉर्ड्स अगर वी वांट टू डिस्प्ले फ्रॉम द टेबल तो वी कैन राइट दिस क्वेरी, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय सैलरी. ठीक है डिसेंडिंग से किया है उसको जाने दो. ओके लिमिट 10 क्या लिखा उन्होंने, लिमिट 10. ओके वी कैन ट्राई, हमारे उसमें वर्कर में 4 रिकॉर्ड्स है तो हम लोग 2 डिस्प्ले करवा रहे. ओके सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम वर्कर. ओके हर एक हम लोग पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे. ठीक है थ्री रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहा है. ओके थ्री रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहा है. क्लियर
उसने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर है, अगर हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे फ्रॉम वर्कर, डायरेक्टली 1 2 3 ओके, तो यू कैन राइट द ऑर्डर बाय भी लिख सकते हो, नहीं लिखा तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट का फ्रॉम वर्कर लिमिट 3, तो टोटल कितना रिकॉर्ड्स है टेबल में, 4, तो मैंने लिमिट 3 किया तो ओनली 3 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिमिट 1 कर दोगे तो ओनली 1 रिकॉर्ड विल बी डिस्प्ले, ओके। अभी तो हमारे टेबल में 4 to 5 रिकॉर्ड्स है, बट अगर इन फ्यूचर आप डेटाबेस में काम करो, बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, 100 250 जितना भी आपको है, बट उसमें से आपको पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाना है, ओके, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इफ यू वांट टू डिस्प्ले, सो यू कैन यूज द लिमिट, LIMIT लिमिट कीवर्ड यू कैन यूज, ओके। तो यहां पे सिंपली मैंने लिखा सिलेक्ट स्टॉक फ्रॉम वर्कर लिमिट 1, तो ओनली 1 रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, यहां पे मैं लिख रही हूं लिमिट 2, ओके, तो 2 रिकॉर्ड्स विल बी डिस्प्ले, क्लियर, समझ में आया, यस और नो? ओके, लिमिट 30, यस लिमिट 30 मतलब आपके आपके टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स है उसमें से वो 30 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेगा, यस ओके सरफराज, अगर 30 लिखोगे तो आपके टेबल में से 30 रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, बट हमारे टेबल में मैक्सिमम कितना रिकॉर्ड्स है, 4 ही रिकॉर्ड्स है, तो हम लोग 30 देंगे तो वो सारा डिस्प्ले करेगा, वाई, बिकॉज हमारे टेबल में 4 ही रिकॉर्ड्स है और हमने लिमिट दिया है 30 तक, ओके, तो लिमिट मतलब क्या, पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको रिटर्न करवाना है, तो यू कैन यूज दिस लिमिट, ओके, जब आप व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द लार्ज डेटाबेस, ओके, और आपको सारे रिकॉर्ड्स नहीं डिस्प्ले करवाना है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है, तो यू कैन यूज दिस क्वेरी, हाँ, व्हेन यू विल वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट में आपको सपोज डेटाबेस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, पर आपको वो डेटाबेस में से वेब पेज पे या तो वेबसाइट में पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाने, एक पेज पे 10, दूसरे पेज पे 20, तो एट द टाइम यू कैन यूज दिस क्वेरी, ओके, इसलिए मैंने बोला क्वेरी जो है वो नोट डाउन करके रखो, हमको लगेगा ये जब हम लोग .NET पढ़ेंगे, कनेक्टिविटी करेंगे, आई विल टीच यू द .NET सब्जेक्ट, मैं ही आपको पढ़ाने वाली हूँ नेक्स्ट सेमेस्टर ईयर में, फिफ्थ सेमेस्टर में, ठीक है, तो कनेक्टिविटी हम लोग करेंगे, तो ये क्वेरीज हमको तभी भी लगेगा, तो प्लीज उसको नोट डाउन करके रखो, संभाल के रखना नोटबुक DBMS का, queries का, okay, चलो, yes, rejoin करो, okay, student, rejoin, write an SQL query to determine the nth highest salary from the table, okay, highest salary from the table, तो उन्होंने nth क्या बोला है, write an SQL query to determine the nth highest salary from a table, okay, highest salary from the table, तो उन्होंने क्या लिखा है, select salary from table name, order by जाने दो ये, ठीक है, लिमिट, ओके, लिमिट n माइनस 1, 1, तो इसको हम लोग पहले रन करते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू क्या हो रहा है, ठीक है, सॉरी, इसको रन करती हूँ, देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या